दिल्ली में आए दिन हो रही लूटपाट की घटनाओं ने दिल्ली वालों को डरा दिया है। शनिवार रात दिल्ली के केशवपुरम में लुटेरों ने एक बार फिर बेखौफ होकर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात केशवपुरम इलाके में जड़ी बूटी और ड्राई फ्रूट कारोबारी साकेत अग्रवाल के साथ हुई, जहां साकेत अग्रवाल के कर्मचारियों से 8 लुटेरों ने 20 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि लुटेरे बाइक और स्विफ्ट कार में आए थे। लुटेरों ने पहले कार में सवार कर्मचारियों पर कई राउंड फायरिंग की, उसके बाद कार की डिक्की से 20 लाख रुपए निकाले और फरार हो गए। लुटेरे जाते जाते अपनी बाइक वहीं छोड़ गए। कुछ दूर जाकर नेताजी सुभाष प्लेस के पास उन्होंने एक दूसरी बाइक सवार को गोली मारी और उसकी बाइक लेकर फरार हो गए। हम खाली गोली से 20 लाख रुपया कैश लेके जो डिक्की में रखा था और खारी गुल्ली से कुहाट मेट्रो स्टेशन के नीचे हमारे जो अग्रवाल साहब हमारे ओनर हैं उनकी कोठी पे जाना था हमें, तो वहाँ से हम जहाँ आए तो एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद उसने थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी हमारे आगे लगा दी, आगे लगा के उन एक बंदे को थोड़ी दी, कोई शीशा तोड़ा और इतने दो एक तीन सेकंड दो सेकंड के अंदर ही दो बाइक वाले और आए जिसमें 4 बंदे थे टोटल, उन्होंने आगे गोली चलानी। वहीं शुक्रवार देर रात अशोक विहार के पास भी ऐसी ही एक लूट की वारदात हुई थी जिसमें एक शख्स की मौत हुई। इन दोनों घटनाओं से पुलिस को ऐसे गैंग पर शक है जो चांदनी चौक और खारी बावली इलाके के कारोबारियों को निशाना बना रहा है। साथ ही नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस को कारोबारी के कर्मचारियों की इस वारदात में मिले होने का शक भी पैदा हो रहा है। ये साकेत अग्रवाल है मालिक का नाम, ये इंटरनेशनल ट्रेडर्स नाम पे करौली बौली में दुकान है उनका, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स का दुकान है और ये अपनी घर की तरफ वो लेके जा रहा पैसा, और इसको अराउंड 9 बजे कार ने इंटरसेप्ट किया और इनके ऊपर गोली भी मारी गई और कार के ऊपर। उसके बाद जाते वक्त एक मोटरसाइकिल दो मोटरसाइकिल में ही आए थे, इसमें एक मोटरसाइकिल मौके पे ही छोड़ के भागना पड़ा और थोड़ी दूर जाके एक मोटरसाइकिल वालों को गोली मार के एक मोटरसाइकिल को इन्होंने छीन के भाग गए। केशवपुरम में हुई लूटपाट की घटना से ऐसा लग रहा है कि लुटेरों के पास कारोबारी के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही थी। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने इस बड़ी लूट से जुड़े हर एक किस्से को बारीकी से टटोलना शुरू कर दिया है। टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।